मनीष द लूसिफर राइडर। ओहो क्या साउंड आ रही है। यस बॉस दिस इज व्हाट आई नीडेड। तो बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और ये मॉर्निंग राइड होने वाली है। हम सुबह 7 बजे निकलने वाले थे पर अभी 8 बज चुके हैं। एक्चुअली मैं 7:40 में गंगा सागर पे आ गया क्योंकि ये लोग आ ही नहीं रहे थे। तो अभी अपने साथ 3 NS है, एक अपनी 3T और एक मनीष का लूसिफर और दूसरी NS अभी पास हुई और बाकी और भी राइडर है जो बाबा पेट्रोल पंप पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये राइड अराउंड 80 किलोमीटर का होने वाला है। तो चलो घूमते हैं थोड़ा। तो आज की राइड के बारे में बता देते हैं आपको। आज हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं बताए, गेस गेस खेले क्या? पार्ट 2 में भी आ सकते हैं। मैंने सोचा नहीं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का, शॉर्ट और स्वीट में रखेंगे, पर क्या ही पता अपनी ब्लॉग रो ही रहती है तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं जो हमें दिखाने का मन होता है और कई चीज़ हम काट देते हैं, दिखा नहीं पाते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने सोचा है कि कुछ कुछ शॉर्ट्स लेके ही चलेंगे। और ये निकली NS, ये भी अपना ही है, मतलब अपना ही राइड, अपने ही ग्रुप के साथ राइड पे, मतलब हमारे साथ ही है। मज़ा आने वाली है। मौसम तो काफ़ी सही है अभी राइड करने के लिए। एक्चुअली मॉर्निंग है और जनकपुर में भाई पता ही है गर्मी कितनी रहती है, इसलिए हम मॉर्निंग का प्लान बनाए थे। और अपने साथ मनीष द लूसिफर राइडर और अपना सुजीत दोस्त है सामने, चश्मा लगाए हुए हैं। चलो निकलते हैं फिर। ओहो क्या साउंड आ रही है। यस बॉस से भाई मजा तो आने वाली है आज बहुत ही ज़्यादा। बहुत दिनों बाद मैं राइड कर रहा था, लाइक मेरे एक्सीडेंट होने के बाद ये फर्स्ट ही लॉन्ग राइड होने वाली है मेरा। इसको लॉन्ग राइड तो नहीं कहेंगे, मीडियम राइड कह लेते हैं क्योंकि शॉर्ट भी नहीं है। अराउंड 80 किलोमीटर का राइड होने वाला है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी सारे लोग पहले बाबा पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हम अपने सारे राइडर के वेट कर रहे थे और इतने में पानी भी पड़ने लगा और बहुत ज़ोर से पड़ने लगा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप बर्दीवास या फिर ढलकेबर में होने वाला है। मेनली ढलकेबर में होगा शायद से, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने लगा तो रुकना ही पड़ेगा। मैंने वैसे अपना रेनकोट ले लिया है तो ज़्यादा पानी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रेनकोट लगा लेंगे। गोप्रो बंद करना ही पड़ेगा। और अपने साथ आज 5 NS होने वाली है। खैर वो लोग थोड़े पीछे रह गए हैं, वेट कर रहे हैं दोस्तों का। तो निकलते हैं अभी आराम आराम से ही। राइड की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए बिल्कुल आगे। अभी यहाँ पे पानी पड़ना बंद हो गया है, यहाँ पे पानी नहीं पड़ रहा है। तो फार सो गुड, बहुत अच्छा है, वहाँ से निकल गए जल्दी। तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं, हाय हाय मज़े। और सामने लूसिफर चल रही है, एकदम बीस्ट मोड में है और मनीष राइडर है तो आप समझ ही जाओगे। इट्स गोना बी सो फन टू राइड विद मनीष बॉय। ऐसी राइड होना मतलब मज़े की बात है। उतनी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे फील होगा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलेगी, एकदम पहाड़ों वाला फील आ रहा है। ओहो असली राइडर तो ट्रक वाले होते हैं, इस रोड में तो किसी के नहीं सुनते। तो दिल खुश हो गया भाई, लाइक दिस इज़ व्हाट आई नीडेड आफ्टर ऑल दोज डेज आफ्टर एक्सीडेंट। इट वॉज वेरी टफ but this is what refreshment ride I have needed from 1 month. No English, come to me, don't fly my joke. बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। ये क्या है? तो मजा आ रही है ना, ये स्टॉप पीछे ही रह गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे होगा छोटे से चाय ब्रेक।
तो अभी चाय पी लिया, सारा राइडर निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली अभी हम बर्दीवास पहुँच ही गए, तो बर्दीवास से सीधे वाले रास्ता जाना है, ना कि राइट लेना है काठमांडू जाने वाले रास्ते से। अब कार कैसी, दोनों चक्के हवा में थे भाई। ओके ओहो, हम ही रुक रहे हैं, बाकी सारे आगे जा रहे हो। तो भाई ये बहुत ही कूल बंदा है यार। तो एक होते हैं कूल बंदा और दूसरा आते हैं ये लोग जो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, इनको हमेशा ही फुटेज चाहिए। कभी बोल दोस्त अदा के जाएगा सीधे तो भाई ये फिर से फोटो खिंचवाने लगा यार। तो एक्चुअली अभी सीन हो गया, तो पीछे का पुला टूटा हुआ हमने क्रॉस करा, वहीं पे एक दोस्त को रख लिया एनएस वाले को, उसके पास लाइसेंस नहीं था तो अभी उसका ब्लू बुक ले लिया है, तो उसके लिए हम आगे थोड़ा वेट करेंगे, तो यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर, उसको क्या होता है फाइन कटवाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। ओ भाई थोड़ा अंदर चलते जंगल के देखते क्या है, आइए देखते हैं मलाड़ा। ओह भाई बाइक लेके आनी चाहिए तो ऐसी जगह में, ये मुझे थोड़ी थोड़ी वैसी वाली वाइब दे रही है जो हमने धनसा धाम टेम्पल गया था तो ऐसे ही कुछ था। मेरे को ये बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे बैठे गया जी, इसमें लगेगी तो नहीं लगेगी, फिर भी बैठेंगे। तो एक्चुअली हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ से आगे आ चुके हैं, और वो जो दोस्त था जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था वो उसको थाने ले गया, तो अभी चीट कटवा के वो आएंगे, रोड उनको पता ही है तो वो लोग आ जाएंगे, इसलिए हम भी आराम से आगे बढ़ रहे हैं और सारे लोग पीछे आ रहे हैं, और अभी तक हमने सिर्फ 28 किलोमीटर तक राइड करी है, देखते क्या होता आगे। और ओह भाई बंदर दिखने चालू हो गए, हेलो भाई रोड की तो लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा पोर्टहोल्स है भाई, इतने बार रुक चुके हैं ना हम उस दोस्त के लिए, वो वाइब टूट जाती है, फिर एक बार राइड आप कर रहे हो और फिर रुक जाती है तो मज़ा नहीं आती है, तो इसीलिए। और पोर्टहोल्स भी ज़्यादा है कि एक कुएं में भगा नहीं सकते, भगाओ स्लो करो तो मज़ा नहीं आता है। रोड बहुत अच्छे, देखो कितना शानदार रोड है दोनों तरफ, वाइब देखो कितना प्यारा है, जंगल है चारों पर वो पोर्टहोल्स मज़ा ख़राब कर रही है, और लुक देखो भाई, व्यू नज़ारे इसे ही कहते हैं। तो अब जाके मेरा मन धीरे धीरे ठीक हो रहा है सारे चीज़ देखते हुए, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ, जो दोस्त आ रहे हैं पीछे उसको हमने बोल दिया है कि सीधे जहाँ हमें मिलना है, जहाँ जाना है वहीं पे आके मिलो, और टाइम पहले ही ज़्यादा वेस्ट हो चुका है रुकते रुकते। तो हम पहुँच गए बांके के, ये पूल है और ऐसे पूल ऐसे नज़ारा सा भरा पड़ा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब आ रही है, और धीरे धीरे से पानी भर रही है, तो राइड इन रेन का भी मज़ा आ रहा है, और सारे लोग अभी एकदम रिदम में भगा रहे हैं, रिदम है।
यहाँ पे देखो बाइक का क्या हाल होके रखा है, लटका दिया है पूरा। से लिया क्या रोड? ओके, तो यहाँ से 3 किलोमीटर तक राइट लेना। ओके, कितने किलोमीटर ऐसे देख रहे? 5-5 ले लिया तो ऐसे वही महंगा वाला रहा, सीधा रोड टायर ऐसे स्किड कर रही है, पूछो मत। भाई लैंड करा दे, 10-20 ज्यादा ले ले लैंड करा दे भाई।